जय हिंद दोस्तों। अब नया मंथ आ चुका है सितंबर, और अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स की पढ़ाई नहीं स्टार्ट की और बाकी चीज़ें पढ़ रहे हो तो ऐसा मत करो। कम से कम इस वीडियो को देखो तो रोज़ आप कनेक्टेड रह पाओगे। काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होता है ये। अगर आप आज वीडियो इस वीडियो को देख रहे हो तो कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सितंबर मंथ की, उसको कंटिन्यू रोज़ देखो। रोज़ आपको पता चल जाएगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एटलीस्ट प्री के लिए और मेंस के लिए। तो मैं आपको आर्टिकल बताता हूँ तो आप उसको बस नेट पे सर्च करो, आपको पूरा मिल जाएगा। कोई कहीं भी बैठ के आप किसी भी गांव से पढ़ रहे हो तो इस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बस गूगल पे वो आर्टिकल डालना, आप यहां से पढ़ के आपको मिल जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। चलो फिर शुरू करते हैं नए मंथ को नए तरीके से। तो द हिंदू के आर्टिकल पहले देख लेते हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो है इस बार जो अभी हुई है इस क्वार्टर में ग्रो, वो 7.8% से हुई है, अप्रॉक्स 8% से, जो कि फास्टेस्ट है लास्ट 4 क्वार्टर से। मतलब ये एक अच्छी न्यूज़ तो है कि नहीं, राइट? और अगला जो है सिर्फ डायरेक्ट पेज नंबर 1 से आपको पेज नंबर 10 की तरफ चलना है, मैपिंग टाइज। अब ये क्या है भाई, इससे आप क्या समझ में आएगा? तो ये जो है ये बात हो रही है इंडिया चाइना के बारे में। अभी रिसेंटली चाइना ने एक अपना नया मैप रिलीज किया है 2023 का, स्ट्रेटेजिक मैप, जिसमें आप देखोगे तो अक्साई चीन और पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट है वो पूरा उसने चाइना में दिखाया, और भी कई सारे जो हैं विवादास्पद जो जगह है इंडिया के अलावा, जैसे फिलीपींस, मलेशिया, ये सब भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बारे में, और इंडिया ने भी अपोज किया है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी जी जिनपिंग जो न्यू दिल्ली आने वाले थे G20 समिट के लिए, उनका अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बारे में भी एक पूरा आर्टिकल है तो मैं आपको वो अच्छे से बताऊंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्रेसिव UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब कि वो चाइल्ड अडॉप्टिव है या फिर खुद का है, जो भी जिस तरह से है, तो मतलब एक जो बच्चा है उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट उसके जो हित में हो उस हिसाब से होना चाहिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक प्रोग्रेसिव UCC होना चाहिए, ऐसा पेज नंबर 10 के आर्टिकल में बताया गया। तो पेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जहां अडानी के बारे में बात हो रही है। आपको पता है कई सारी रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में अडानी के ऊपर आई है, जैसे इंडनबर्ग थी, तो अब एक और नया रिपोर्ट आया जिसको डिकोड किया जा रहा है इस आर्टिकल में। OCCRP ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसको डिकोड किया जा रहा है इस आर्टिकल में, तो आप अच्छे से देखो, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी उस आर्टिकल में बता दिया था कि भाई चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का जो है अभी कंफर्म होना बाकी है G20 में, वो दिल्ली आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि काफी चिक-चिक चल रही है मैप को लेके, न्यू मैप जो चाइना ने रिलीज किया है उस पे। ओके, पेज नंबर 14 का आर्टिकल है। नाउ एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है सितंबर 18 से लेके 22 का पार्लियामेंट का, और एजेंडा जो है अभी तक अंडर रैप बोले तो अभी सुमड़ी में है, अभी उसको रिवील नहीं किया गया है। तो जैसे जैसे रिवील होगा हम लोग भी डिकोड कर लेंगे उस हिसाब से। है कि ये लोकसभा इलेक्शन है अगले साल, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही, चलो देखते हैं। नाउ आपने भी नोटिस किया हो कि इस अगस्त में जो है बारिश काफी कम हुई है, रेनफॉल बहुत ही कम हुआ है, राइट? इन अ सेंचुरी, मतलब अब जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि पिछले 100 सालों में अगस्त इतना सूखा कभी नहीं गया, तो ये चिंता का विषय है पेज नंबर 16 पे। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उस हिसाब से ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हो ऐसे भी प्री के लिहाज से भी। नाउ ये भी अगला जो आपका आर्टिकल है वो भी प्री मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, राइट? फीमेल पे आपको बेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट पे भी मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नाम है जया वर्मा जो है वो बनी है फर्स्ट वुमेन जो रेलवे बोर्ड को लीड करेंगी, हेड करेंगी, राइट? काफी अच्छी न्यूज है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। पेज नंबर 16 पे ये आर्टिकल है। नाउ आसाम बेस्ड जो ऑन्कोलॉजिस्ट है रवि कनन, वो मेडिकल फील्ड में जो रेमन मैगसे काफी प्रतिष्ठित, काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, कई सारी फील्ड में दिया जाता है, उसको जीते हैं ये आसाम के हमारे इंडियन रवि कनन। काफी बेहतरीन काम किया इन्होंने, कई सारे फ्री जो कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने स्थापित किए हैं, काफी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, इसीलिए इनको मिला है। और चंद्रयान ने जो है चंद्रयान प्रोब ने फाइंड किया स्पार्स प्लाज्मा, ये क्या होता है, कई तरह का जो लूनार पे सरफेस पे होता है कई, उस बारे में जो है पेज नंबर 16 पे आप इसको पढ़ोगे डीपली। अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी टर्म तो आप उसको या तो गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर मुझसे आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो नाउ मैंने आपको बताया था कि अब इंडिया के बाद जो फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया भी जो चाइना के जो न्यू मैप है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, उसको मानने को राजी नहीं है। नाउ फिस्कल डेफिसिट जो है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 24 का, वो जो है 33.9% रहने वाला है एट एंड ऑफ जुलाई, ऐसा डेटा का कहना है। पेज नंबर 18 पे आर्टिकल है, डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो अच्छे से।
चलो हिंदू में इतने ही आर्टिकल थे जो आपके काम के थे, प्री का तो आपको यहीं पे कवर हो जा रहा है। मेंस के लिए आप बस कुछ नहीं करोगे, इसके चार टर्म उठाओगे ना और द इंडियन एक्सप्रेस लिखोगे, आपके सामने खुद ब खुद आर्टिकल आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हो। राइट, चलो देखते हैं अब इंडियन एक्सप्रेस को डिकोड करके कि गवर्नमेंट जो है स्पेशल सेशन मतलब बुला रही है। राइट, सब गेस कर रहे हैं अभी तक क्या है, कुछ किस बारे में है वो सेशन अभी तक नहीं पता है। पेज नंबर वन पे ही कवर किया इंडियन एक्सप्रेस ने, जो मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी डिटेल में कवर कर चुका था हिंदू में। और वही 7.8% का जो है ग्रोथ रेट है जीडीपी है, जो पिछले 4 क्वार्टर में सबसे ज्यादा है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। तो आप पढ़ो, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे आपको दोनों जगह से, तो दोनों आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो। राइट, और एक जो लार्जेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड प्लांट यूनिट है गुजरात में, वो जो अपनी फुल कैपेसिटी स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। पेज नंबर 9 पे दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो। और एक और पेलोड जो है उसने फिर से जो सल्फर प्रेजेंस डिटेक्ट किया है मून पे, वो भी आप पढ़ सकते हो। एक बार हम इस चीज को, और पहले भी डिटेक्ट किया था इस चीज को, वो हम कवर कर चुके थे। राइट, पेज नंबर 10 पे आर्टिकल है नाउ ऑप्टिमिज्म एंड कॉशन, ये जो है काफी अच्छा एडिटोरियल है, जिसको मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बोल्ड लेटर में जो रहता है मेरा, उसको आप मेंस पर्सपेक्टिव से अपने वोकैब पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आपका काफी स्ट्रांग होगी आंसर राइटिंग स्किल एंड ऑल, जिसमें भी अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है उस भी एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल होगी। नाउ ये भी कवर हो चुका है हमारा कि लेटेस्ट मैप को रिजेक्ट किया इंडिया के बाद फिलीपींस मलेशिया और ताइवान ने। ओके, पेज नंबर 14 पे आर्टिकल है। नाउ जो ब्रिक्स जो है अब और 6 कंट्री ऐड हो चुकी है, आपको मैंने बताया था, तो ये बेटर टू ये बेटर रहेगी या फिर सिर्फ हवा हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए, क्या है पूरी तरह से डिकोड किया गया पेज नंबर 15 में। इट्स अ नाइस आर्टिकल, आप इसको जरूर पढ़ना। और कौन सी 6 कंट्री ऐड हुई हैं, उसका कोई मेमोनिक्स बनाया है आपने तो मुझे कमेंट करके बताओ कुछ शानदार सा, बाकी लोगों के हेल्प की नहीं बनाया है तो मैं काफी एक शानदार मेमोनिक्स बनाया है, वो मैं आपको जरूर एक वीडियो में डिकोड करूंगा। ओके, नाउ अगला पेज नंबर 15 पे आर्टिकल है इन गैबॉन कूपे रिसेंट वेस्ट अफ्रीकन पैटर्न। ये क्या है कि जो वहां पे जो ये आजकल आपको वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में देखने को मिल रहा है कि जो कूप है गैबोनियन कूप, वहां के प्रेसिडेंट जो इलेक्शन जीते थे उनको जो है उनके पैलेस में ही अंडर अरेस्ट कर लिया वहां की आर्मी ने, तो इस तरह की चीजें ये कल्चर जो है उधर देखने को मिल रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। राइट, नाउ एक जो लैंग्वेज है जो विदाउट स्क्रिप्ट है वो कहाँ की है, त्रिपुरा की है, तो ये आप प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से याद रख सकते हो। मेंस के हिसाब से शायद आपको लगे तो आप इसका नोट्स कुछ बना सकते हो, इस तरह की लैंग्वेजेज आप और उठा सकते हो कि कहाँ कहाँ की कौन कौन सी इंडिया की ऐसी लैंग्वेज हो विदाउट स्क्रिप्ट है। राइट, तो काफी अच्छा रहेगा आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छी बात है कि 8% की रेट से जो है ग्रो हुए हैं। राइट, इन द मंथ ऑफ जुलाई, पेज नंबर 17 का आर्टिकल है। और आखिरी आर्टिकल हमारा आज का ये है कि इंडिया ने क्लॉक किया जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 डिस्पाइट जो है रेनफॉल डेफिसिट है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगस्त, तो अगस्त लग ही नहीं रहा है, ऐसा जो है पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है, काफी बेहतरीन है, आप पढ़ सकते हो। डेटा तो आपको यहाँ प्री का कवर हो ही जा रहा है, आप वन लाइनर्स यहाँ से भी बना सकते हो, जैसे ये 6.5% हो गई, जैसे ये सारे हो गए 8%, ये कोको ब्रोक हो गया। राइट, ये सारे आप चीज यहाँ से आप फटाफट जो है 5 साल अंडर 10 मिनट्स हमारा रहता है, एनी टाइम 8 मिनट्स के अंदर ही हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को प्री के लिहाज से तो कवर कर ही लेते हैं, और आपको वो सारे आर्टिकल्स भी पता चल जाते हैं जो आपको पढ़ने हैं, बस आप गूगल पर डालोगे। जैसे बाकी सारी चीजें सर्च करने में काफी इंटरेस्ट दिखाते हो, थोड़ा ये सब भी इंटरेस्ट दिखाओ भाई, मजा आएगा आपको, टाइम काफी बचेगा आपको बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में। ओके, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हम हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल होते हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल रहती है, कई सारे लोग हमारे जो है आप खुद देख सकते हो कि 3 टाइम्स नेट और नेशनल स्कॉलरशिप अवार्डी हैं, PhD वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इनरोल्ड हैं, UPSC फैकल्टी है जो ऑनलाइन आप जितने भी बड़े बड़े नाम सुनते हो वहाँ पे पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं काफ़ी इंडिया के। राइट, तो और टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लेना दोस्त, आपको कई सारे नोट्स और जो है सारी रहेंगे। इसी तरह मैं आपके लिए आता रहूंगा अच्छे अच्छे वीडियोस लेके, कल फिर मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना।